नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लाल परेड ग्राउंड पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले 10 विद्यालयों में नवांकुर विद्यापीठ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम पुरस्कार की घोषणा होते ही छात्राएं खुशी से झूम उठी। नवांकुर के प्रांगण में भी जमकर नाची छात्राएं। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद टाइम न्यूज से बात की छात्राओं ने। गणतंत्र दिवस समारोह में लाल परेड ग्राउंड पर खुशियों से झूम उठे बच्चे। जब प्रथम पुरस्कार की घोषणा हुई, हमारे साथ नवांकुर विद्यापीठ के बच्चे हैं। हम उनसे जानने चाहिए किस प्रकार से इसकी तैयारी की गई थी और प्रथम पुरस्कार लाने के बाद खुशियों के आंसू देखने को मिले यहाँ पर। आज हमने पंजाब का लोक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें हमें बहुत आनंद आया। हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, जिससे हमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हीं की वजह से हम सब अभी यहाँ पे मौजूद हैं। कितने बच्चे इसमें शामिल थे कार्यक्रम? 50 से ऊपर बच्चे भागीदारी, 62 बच्चों ने भागीदारी ली, जिसमें कि हमने लोहड़ी को मिले ठेले खूब दिखाए और लोहड़ी का आनंद उठाते हुए उसमें लोहड़ी कैसे की जाती है वो सब बताया। और इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ है, खुशी के आंसू भी देखने को मिले। कैसा महसूस कर रहे हैं और ये आयोजन करने के पीछे किसकी प्रेरणा थी? बहुत अच्छा, हमारे प्रिंसिपल सर ने भी हमें बहुत ज्यादा निर्देशन दिए हैं। हमारी दीपाली मैम, सोनम मैम और पलक मैम ने भी, और वो मुकेश सर ने भी बहुत कराया। हम लोग झूम उठे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट आके प्रथम पुरस्कार पाने के बाद जो मन में खुशी है, खुशी हमारे साथ थी और खुशी के मन में खुशी है, पूरे स्कूल के मन में खुशी है। कहीं ना कहीं प्रथम पुरस्कार लेने के बाद जो आंसू देखने को मिले खुशी के आंसू थे। आप टाइम न्यूज पर ये पूरी टीम देख रहे हैं, नवांकुर विद्यापीठ ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया लाल परेड ग्राउंड पर। नारे लग गए जब लाल परेड ग्राउंड पर पहले पुरस्कार की घोषणा हुई। टाइम न्यूज के लिए गंजवासा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।